पहले मैंने सूर्य नमस्कार के बारे में ज़्यादा कभी सोचा नहीं। हमेशा सूर्य नमस्कार सुनते ही बाबा रामदेव दिखने लग जाते। उसी के साथ आगे सोचने का विचार भी समाप्त हो जाता। बहरहाल अभी कुछ रोज से हर सुबह मैं अपनी छत पे सूर्य उदय होने से पहले पहुंच जाती। शुक्रिया मेरे होम क्वारंटाइन के कमरे का, जहां सुबह 4 बजते ही बगल वाले मंदिरों की घंटियां धाबा बोल देती है। हर सुबह की तरह आज भी बेसब्री से इंतजार करती मैं और मेरे आसपास मौजूद सारे पेड़, पक्षी और अन्य जीव तकतकी लगाए उन पहाड़ों की तरफ निहार रहे हैं। बादल हमें काफी सताते हैं। कोयल भी चिल्ला चिल्ला कर उस बादल को कोसती है, मगर बादल की भी अपनी अकड़ कम कहा। इस लुका छुपी को देख पहाड़ शांत खड़े अपने में हंसता है। बादल को लगा आज तो इनको खुश होने का अवसर नहीं दूंगा। फिर तभी वो नारंगी रोशनी आसमान को समाये पूरे जहां को रगना शुरू कर देती है। एक तरफ चांद मामा चुपके से विलीन होने की तैयारी करते हैं और दूसरे ही तरफ ये देखो पंछी और जानवरों के अपने सुर लगने शुरू हो जाते हैं। गौशाला में बंदी गाय भी पीछे कहाँ रहती है। हवा भी अपनी धुन में नाचती हुई दूर गूंज रही आवाजों को चारों दिशाओं में फैलाना शुरू करती है। और फिर देवता अंगड़ाई लेते हुए बाहर आते हैं। जीव जंतु हवा रोशनी जल और भी फुर्ती से अपने राजा की एक झलक पाकर खुशी से झूमना शुरू कर देते हैं। सूर्य देवता अपनी रोशनी और तेज से आसमान को चीरते हुए ऊपर और ऊपर उठते चले जाते हैं। वो खुशी, वो दृश्य इतना गहरा होता है मानो हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ हो। जीव जंतु हवा रोशनी जल और भी फुर्ती से अपने राजा की एक झलक पाकर खुशी से झूमना शुरू कर देते हैं। मानो हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ हो और सूर्य देवता जैसे हंस के कह रहे हो, मैं बरसों से यही हूँ और आगे आने वाले बरसों तक यही रहूँगा, तो इंसानों तुम क्यों इतना सरदर्दी लेते हो। दुनिया और उसका जीवन मेरी रोशनी पे निर्भर है, तुम्हारे घमंड पे नहीं। और हो भी क्यों ना, सूर्य देवता तो खुद ही सदियों से जले जा रहे हैं जीवन प्रदान करने के लिए, और हम इंसान तो किसी को चैन से मरने तक नहीं देते। इस सब से रूबरू होने के बाद जब आप अपनी छत से नीचे जाने के लिए कदम उठाते हो तो आपकी अंदर की प्रवृत्ति आपको रोक लेती है। जहाँ धरती खुद नमन प्रदान कर रही हो, आपको एहसास ही नहीं होगा कि कैसे आपके दोनों हाथ जुड़ गए और आप उस महान शक्ति को कोटि कोटि नमस्कार कर जाते हो।